के अंतर्गत यूपीएससी के इकोनॉमिक्स सेशन में या इंडियन इकोनॉमी के सेशन में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। और कल हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो टॉपिक था नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय, जैसा कि आप लोगों को कल आपको मैंने पढ़ा था कि राष्ट्रीय आय अपने आप में अपना एक अलग महत्व रखती है, इसीलिए आज हम उसी क्लास को फिर से आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू करते हैं कि नेशनल इनकम कैसा है। और बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है। जो कंपोनेंट्स हैं नेशनल इनकम के, उनको जो हम उनके जो फार्मूले हैं, ऐसे बच्चे जिन्होंने इकोनॉमिक्स कभी नहीं पढ़ी है वो बच्चे बहुत ही आसानी से उस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम। ठीक है, तो अब बात करते हैं राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय के विश्लेषण में राष्ट्रीय आय अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, या इसकी जो एक अवधारणा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय आय को साधन लाभों पर राष्ट्रीय आय ही कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यह उत्पादन के विभिन्न साधनों, भूमि, श्रम, संगठन, पूंजी आदि के द्वारा एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं के बाजार मूल्य का योग होता है। वास्तव में राष्ट्रीय आय तथा साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन दोनों एक ही है। तो हम कह सकते हैं नेशनल इनकम इज इक्वल टू हमें क्या चीज होगा नेट, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा।
तो जो जी है वो नेट में बदल जाएगा और फार्मूला हो जाएगा जब जीएनपी एनपी में से डिप्रिसिएशन को घटाएंगे तो जी बदल जाएगा एन में और फार्मूला आ जाएगा एन एन पी एम पी। ठीक, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से जब हम डिप्रिसिएशन को घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस। दूसरा देखिए, यहां पर हम रिड्यूस करेंगे एनएफआईए। एनएफआईए का मतलब है नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। जब हम ग्रॉस में से या नेशनल में से हम नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड विदेशों से जो प्राप्त आय है जो हम उसको घटा देंगे तब हमें क्या मिलेगी, घरेलू आय, मतलब जो घर के लोगों के द्वारा जो देश की मौलिक सीमा के अंदर के द्वारा जो लोगों के द्वारा जो आय का सृजन है वो मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, जीएनपी एनपी में से एनएफआईए घटाने पर एन बदल जाएगा डी में, तो हो जाएगा जी डी पी एफ पी। बाकी चीजें पूरी एलिमिनेट रहेगी, बाकी चीजें पूरी एलिमिनेट रहेगी, बस ग्रॉस कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी नेशनल कन्वर्ट हो जाएगा डोमेस्टिक। तीसरी चीज, जब हम जीएनपी एनपी में से आईटी, आईटी को कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जब हम जीएनपी एनपी में से इनडायरेक्ट टैक्स को रिड्यूस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मान लीजिए इस पेन की, इस पेन को बनाने में लागत 5 रुपए की आती है और ये पेन बाजार में 20 रुपए में मिलता है तो 20 रुपए क्या हो गई, 20 रुपए इसकी मार्केट प्राइस हो गई और 5 रुपए इसका फैक्टर कॉस्ट हो गया और दोनों का जो डिफरेंस है 15 रुपए वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। तो जब भी हम इनडायरेक्ट टैक्स घटाएंगे तो हमको फैक्टर कॉस्ट मिलेगा। पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा तो जी एन पी एफ सी आ गया, फैक्टर कॉस्ट आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अभी कह रहे ऐसे कीजिए, ए कह रहे ऐसे यहाँ पर एक ब्लॉक बना दो, यहाँ पर एक ब्लॉक बना दो, ठीक। अब आप देखिए यहाँ पर ऑलरेडी नेट दिया हुआ है, जब नेट दिया है तो हम डिप्रिसिएशन नहीं बता सकते। और दूसरी लाइन ये है जीडीपी एनपी, ग्रॉस है यहाँ पर नेट है, यहाँ पर नेट आएगा तो इसका मतलब क्या है, इसमें से हम भी घटा सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा एन डी पी एम पी। अब इस जगह क्या है, एन एन पी है, यहाँ पर एन डी पी है, एन से डी कब आता है, जब हम नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड घटाते हैं तो एन एफ आई ए को हम यहाँ घटाते हैं। अब इस तरफ आओ, जी एन पी एफ सी है और जी डी पी एम पी है, ये एफ सी है, ये एन पी है, ऑब्वियस बात है यहाँ पर आई डी लगेगा तो आ जाएगा जी डी पी एफ सी। यहाँ पर जी एन पी है, यहाँ पर जी डी पी है, एन एफ आई डी। अब जी एन पी एफ सी के अंदर आइए, यहाँ पर एफ सी है, यहाँ पर एम पी है, तो यहाँ पर क्या रिड्यूस होगा, आई डी। जब आई डी रिड्यूस होगा तो क्या आ जाएगा, एन एन पी एफ सी, एन एन पी एफ सी, यहाँ पर क्या है, एन एन पी एम पी, तो आई डी घटाएंगे जब हम तो क्या आ जाएगा, एन एन पी एफ सी। क्लियर, आप देखो एक टीम बनाओ, अब लास्ट में टीम घटाएंगे, हमें लाना क्या है, हमें लाना है क्या, लाना है आपको, हमें लाना है एन एन पी एफ सी, सॉरी। अब यहां पर हमको कैसे, अब यहां
यहाँ क्या घटाएंगे माइनस बी, यहाँ पर एन एफ आई बी, एन एफ आई ये घटाएंगे आ जाएगा एन डी पी एफ सी, रॉस में भी घटाएंगे एन डी पी, और यहाँ पर डिप्रिसिएशन एन एफ आई और यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स एन एफ आई ए और डी पी। हमें क्या मिल गया, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये पूरी टेबल है, इस टेबल के माध्यम से ये सारे फॉर्मूले हैं। जब जीएमपी में से डिप्रिसिएशन घटेगा तो क्या मिलेगा, एनएफआईए घटेगा तो क्या मिलेगा, इनडायरेक्ट टैक्स घटेगा तो क्या मिलेगा, एनएलपी से ये सारे फॉर्मूले हैं, 12 फॉर्मूले आपके बनते हैं। ये सारे फॉर्मूले आप टेबल के माध्यम से अच्छी तरीके से कर सकते हैं। याद रखिएगा केवल तीन चीजें डिटेक्ट होती है, डिप्रिसिएशन, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड और इनडायरेक्ट टैक्स। जब इनडायरेक्ट टैक्स रिड्यूस होता है तो हमें फैक्टर कॉस्ट मिलती है, जब डिप्रिसिएशन रिड्यूस करते हैं तो हमको नेट मिलता है, और जब हम नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड को रिड्यूस करते हैं तो हमको क्या मिलता है, डोमेस्टिक इनकम मिलती है। आप अगला पॉइंट डालिए, प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री
व्यक्ति पर अनेक प्रकार के कर लगाते हैं। इस प्रकार बिक्री पर लगाए जाते कर उसकी राशि, उत्पादन के साधनों के प्रतिफल, आदि से अधिक हो जाते हैं। जबकि जीएमपीएससी से यह कुल उत्पादन से होता है, इस पे जो फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर कॉस्ट का मतलब हुआ जब किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो उत्पादन के साधन हैं भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। इसको हम ऐसे कह सकते हैं इज द फंक्शन ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरमीडिएट। भूमि पे क्या मिलता है? भूमि से मिलता है लगा, इसे कहते हैं श्रम को मिलती है वेजेस, कैपिटल पर क्या मिलता है और इंटरमीडिएट श्रम भूमि से लगा, श्रम से पूंजी, पूंजी है श्रम पे वेजेस, पूंजी पर ब्याज और इंटरमीडिएट प्रॉफिट। उत्पादन के साधनों को दिया जाने वाला पारितोषिक, तो ये उत्पादन के साधन है और जब उत्पादन के साधन है, मान लीजिए लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और इंटरमीडिएट है, तो जो लैंड है, लैंड से क्या मिलता है? लैंड से मिलता है रेंट, लगा। अब एक प्रश्न आता है लगान किसे कहते हैं? लगान, तो आप बताइएगा कि लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो भूमि की मौलिक एवं अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले में भूपति को प्राप्त होता है। मतलब रेंट किसको मिलता है? लैंड ग्राउंड को मिलता है, भूपति को मिलता है। तो लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो भूमि की मौलिक, जो भूमि के अंदर जो शक्ति होती है वो कैसी होती है? मौलिक होती है। मतलब आज से 200 साल पहले भी वो जमीन उत्पादन करती थी, आज भी उत्पादन कर रही है और आज के 100 वर्षों बाद भी भूमि उत्पादन करेगी। तो भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले में भूपति को क्या मिलता है? लगान। याद रखिएगा डेविड रिकार्डो की थ्योरी आगे प्रिंट की है, उन्होंने बताया था रिकार्डो का लगान सिद्धांत है, काफी पूछा जाता है। तो लैंड से क्या मिलता है? लैंड से रेंट मिलता है। तो लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो भूमि की मौलिक एवं अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले में भूपति को प्राप्त होता है। ठीक। अब श्रम को क्या मिलती है? मजदूरी। तो मजदूरी भी दो प्रकार की होती है, एक मजदूरी होती है नॉमिनल बेसिस और एक मजदूरी होती है रियल बेसिस, मौद्रिक मजदूरी और वास्तविक मजदूरी। मौद्रिक मजदूरी किसे कहते हैं? मान लीजिए कोई एक लेबर है, उस लेबर को आप सुबह बाजार गए, बाजार जाने से आप लेबर मार्केट से एक लेबर ले आए, उससे कहा कि आप हमारे घर पर ये काम करेंगे और उसने पूरे दिन को काम किया, शाम को जब वो काम उसका खत्म हुआ आपने उसको उठाकर 500 रुपए का भुगतान कर दिया। तो ये जो 500 रुपए दिए ये कौन सी मजदूरी हो गई? मौद्रिक मजदूरी। मुद्रा के रूप में दिया जाने वाला भुगतान मौद्रिक मजदूरी कहलाता है। अब आया वास्तविक मजदूरी। वास्तविक मजदूरी वह मजदूरी होती है कि जब मान लीजिए उसी लेबर को हमने अपने घर पर रख लिया, उसको एक का छोटा सा रूम दे दिया, कुछ कपड़े दे दिए और जो उसकी सैलरी है वो तो हम दे ही रहे,
तो वास्तविक मजदूरी बराबर मौद्रिक मजदूरी प्लस अदर फैसिलिटीज। तो मजदूरी दो प्रकार की है, एक मजदूरी होती है मौद्रिक मजदूरी जिसे मुद्रा के द्वारा व्यक्त किया जाता है, और दूसरी मजदूरी होती है वास्तविक मजदूरी। तो वास्तविक मजदूरी में मौद्रिक मजदूरी और मौद्रिक मजदूरी प्लस अन्य सुविधाओं को हम जोड़ देते हैं तो वो हो जाती है और वास्तविक मजदूरी। पूंजी पर क्या मिलता है? पूंजी पर इंटरेस्ट तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, कैपिटल मिलता है। लगान कम या ज्यादा हो सकता है, लाभ कम और ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये हमेशा बढ़ेगा। ये चीज हमेशा कैसे होगी? ऊपर की तरफ जाएगी, डिक्लाइन नहीं होती है। और संगठन है या जो उद्यमी है, उद्यमी को उनके रिस्क के बदले में क्या प्राप्त होता है? उनको प्रॉफिट मिलता है, लाभ मिलता है। तो ये क्या है? ये उत्पादन के वो साधन है जिससे उत्पादन किया जाता है। इसी को हम फॉर्मूले में भी लिख सकते हैं कि इज द फंक्शन ऑफ लैंड लेबर कैपिटल एंड द इंटरव्यू। अगला पॉइंट, आप इसको हम कैसे उसमें फॉर्मूले के रूप में कैसे लिखेंगे? लिखिए जीएनपी एमपी बराबर, जीएनपी एमपी बराबर, नोट करते जाइए, जीएनपी एफसी, जीएनपी एफसी प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी और जीएनपीएफसी बराबर जीएनपीएमपी माइनस इनडायरेक्ट। तो जीएनपीएमपी का जो फॉर्मूला है, तो जीएनपीएमपी का जो फॉर्मूला है, जीएनपीएमपी बराबर जीएनपीएफसी, जीएनपीएफसी जीएनपीएफसी प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है। और जीएनपीएफसी कैसे निकालेंगे? पहला फॉर्मूला हो गया जीएनपीएफसी, तो जीएनपीएफसी प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, और जीएनपीएफसी बराबर जीएनपीएमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। ये आप लिखिएगा, तो जीएनपीएमपी और जीएनपीएफसी हम ऐसे निकालते हैं। अगला पॉइंट, एक शॉर्ट नोट हम लिख सकते हैं, जीएनपीएमपी बराबर जीडीपीएमपी प्लस एक्स माइनस, जीएनपीएमपी बराबर जीडीपी या एमपी हटा के डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, जीएनपी बराबर रॉ स्टेशन प्रोडक्ट बराबर रॉ डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस एक्सपोर्ट माइनस एक्स मतलब एक्सपोर्ट और एम मतलब इंपोर्ट। तो जीएनपीएमपी रॉ स्पेशल प्रोडक्ट एक्ट मार्केट प्राइस निकालने के लिए फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ते हैं और सब्सिडी को घटा देते हैं। जब एफसी निकालते हैं इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देते हैं और सब्सिडी को जोड़ देते हैं, और जब ओवरऑल अगर निकालते हैं तो जीएनपीएमपी बराबर होता है जीडीपी प्लस एक्स माइनस है, एक्स मतलब एक्सपोर्ट, निर्यात, एम मतलब आयात, हमें रॉस स्टेशन का सही तरीके से पता चल पाता है। अब एनएनपी कैसे निकालेंगे? एनएनपी हो गया नेट नेशनल प्रोडक्शन, एनएनपी सीधा सीधा बात होता है जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। जब हम अगर हमें कोई चीज शुद्ध निकालनी है तो हम क्या करेंगे? उसमें टूट फूट और घिस
गिरावट पर जो व्यय हमने किया है अगर हम वो उसको घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट नेशनल प्रॉफिट मिल जाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय आय या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का पता चल जाएगा। ठीक है, अब ये भी दो प्रकार की होती है, एनएलपी के सीधा सीधा निकाल लिया, एक एनएलपी एमपी और एनएलपी एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, तो जब हम एनएलपी एफसी निकालेंगे तो जीएनपी एफसी माइनस डिप्रिसिएशन, ये तो आपको पता ही है, अब एफसी वाला निकालना है तो जीएनपी एफसी माइनस कैपिटल कंजप्शन अलाउंसेस, तो जीएनपी जब एनएनपी एफसी निकालेंगे तो जीएनपी एफसी माइनस कैपिटल कंजप्शन अलाउंसेस, और जब एनएनपी हम एनएनपी एमपी निकालेंगे
राष्ट्रीय आय की गणना में कौन कौन सी कटाई हमको देखने को मिलती है? पहला पॉइंट, अनेक वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य की गणना मौद्रिक मूल्य की जो गणना है वो तो नहीं हो पाती। पहली घटना यह है कि अनेक वस्तुएं और सेवाएं ऐसी हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती या जिन्हें मौद्रिक मूल्यों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। दूसरा, अविश्वसनीय सांख्यिकीय मतलब डाटा, हमारे पास जो डाटा है जो कैसे है अविश्वसनीय है, एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं है तो बताएगा। उसका कारण है क्योंकि जो विकासशील देश होते हैं उस विकासशील देश में कोई भी व्यक्ति अपने आय और व्यय के बारे में सही सही जानकारी नहीं देता है। कोई व्यक्ति अपनी पूरी आय सरकार को बताता है? नहीं बताता है। जब हमें व्यक्ति के बारे में सही आय नहीं पता चल पाएगी, हमें सही उसका खर्च नहीं पता चल पाएगा, तो फिर आप ये बताइए कि हम राष्ट्रीय आय का जो अनुमान है वो कैसे सही सही लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए राष्ट्रीय आय के गणना में राष्ट्रीय संबंधों का या सांख्यिकी संबंधों का सही उपलब्ध ना होना एक कठिनाई का विषय है। तीसरा पॉइंट, सेविका का स्वामी बन जाना, सेविका का स्वामी बन जाना, सेविका का स्वामी बन जाने से क्या मतलब है? सेविका का स्वामी बन जाने से क्या मतलब है? अब इसमें वही कॉन्सेप्ट आएगा जो कल पीबू का हमने बताया था। पीबू का हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि जब एक मेड काम करती है और उसको 2000 रुपए जो उसको वेतन मिलता है तो वो गणना राष्ट्रीय आय में की जाती है। जब वही मेड से वो लड़का विवाह कर लेता है तो उसके द्वारा अब की जाने वाली जो मुद्रा है उसको हम राष्ट्रीय आय में नहीं मिलते हैं। सेविका से स्वामी बन जाना राष्ट्रीय आय की गणना करने में, राष्ट्रीय आय की गणना करने में दिक्कत उत्पन्न करता है। दूसरा है दोहरी गणना की संभावना, इसको भी हम फिल्टर नहीं कर पाते। हमारे यहाँ बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं जो प्राइमरी सेक्टर में प्रोड्यूस होती हैं और उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी उनका यूज होता है। हम प्राइमरी में भी उनको प्रोडक्शन में कैलकुलेट कर लेते हैं और सेकेंडरी में या इंडस्ट्रियल सेक्टर से जो उससे माल मिलता है उसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके कारण हमें राष्ट्रीय आय का सही सही अनुमान नहीं लग पाता है। अगला, मुद्रा के मूल्य में परिवर्तनीयता, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मुद्रा का मूल्य कभी स्थिर नहीं रहता। मुद्रा के मूल्य में समय समय में परिवर्तन होते रहते हैं तो मुद्रा के परिवर्तन होने के कारण हमें राष्ट्रीय आय का सही सही प्रेक्षण या अनुमान नहीं लग पाता है, ठीक है। अगला, अर्थव्यवस्था में अमुद्रीकृत क्षेत्र की उपस्थिति,
इसका मतलब ये है इकोनॉमी में या भारतीय अर्थव्यवस्था में आज भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर मुद्रा का प्रयोग नहीं किया जाता, जहां पर बार्टर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, और जब बार्टर सिस्टम का प्रयोग होता है तो भी हमें राष्ट्रीय आय का सही अनुमान नहीं लग पाता है, क्योंकि वहां पर हमें मुद्रा के माध्यम से राष्ट्रीय आय पता करनी होती है, लेकिन यहाँ पर तो बार्टर सिस्टम चल रहा होता है, जिसके कारण हमें मुद्रा की सही सही जानकारी या राष्ट्रीय आय की सही सही जानकारी नहीं मिल पाती। अगला हिसावट व मूल्यह्रास, इसे कहते हैं डिप्रिसिएशन। आप डिप्रिसिएशन जो मशीनें होती हैं, नई मशीनें उत्पादन ज्यादा करती हैं, पुरानी मशीनों से उत्पादन कम हो जाता है, और हर समय मशीन जैसे जैसे पुरानी होती जाती है उसका अपना मूल्य कम हो जाता है। भारत में डिप्रिसिएशन के संदर्भ में अभी तक ऐसा कोई मानक नहीं है कि कितना डिप्रिसिएशन कम करना चाहिए साल बाय साल, जिसके कारण हमें राष्ट्रीय आय की गणना करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। अगला है आयातों और निर्यातों के मौद्रिक मूल्यों में अंतर। आयातों एवं निर्यातों, आयातों एवं निर्यातों के मौद्रिक मूल्यों में अंतर के समायोजन की समस्या। आप जानते हैं आयात एवं निर्यात का जो भी अंतर है, जिसे हम लोग इसमें पढ़ते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में भुगतान संतुलन में पढ़ते हैं। भुगतान संतुलन क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो आपको पता है भुगतान संतुलन सरकार का आयात व निर्यात का एक वर्ष का वार्षिक विवरण होता है। एक अर्थशास्त्री थे वाल्टर क्रॉसे, इन्होंने ये बात कही थी कि भुगतान संतुलन सदैव संतुलित होता है, भले ही उसे ऋण से पूरा क्यों ना किया जाए। उनका ये कहने का आधार था, ऐसा उन्होंने बैलेंस शीट के डिस्क्रिप्शन के आधार पर कहा कि भुगतान संतुलन की जब बैलेंस शीट तैयार की जाती है तो उसमें दो प्रकार के खाते होते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट, और इन दोनों जो खातों का जो योग होता है वो हमेशा बराबर होना चाहिए, भले ही इसे ऋण से पूरा क्यों ना किया जाए। तो आप जानते हैं हमारे यहाँ जो इंटरनेशनल मॉनिटरी इंस्टीट्यूशन हैं, पहले तो काफ़ी सारे थे, लेकिन जब हम वन पोलर इकोनॉमी की बात करते हैं तो वन पोलर इकोनॉमी में ब्रिटेन वुड्स का नाम आता है, और ब्रिटेन वुड्स में IMF और वर्ल्ड बैंक का नाम आता है। आगे जब उसकी क्लास होगी तब उसमें आपको बताएंगे। जनरली ये समझ लीजिए कि जो भुगतान संतुलन है उसमें अगर डिसिप्लिनियम आ जाता है तो उस डिसिप्लिनियम को दूर करने के लिए IMF के द्वारा लोन दिया जाता है, और जो अल्पकाल के लिए होता है केवल 5 ईयर्स होता है, और जो दीर्घकाल के लिए जो ऋण दिया जाता है आर्थिक विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं के लिए भारत को जो ऋण दिया जाता है वो विश्व बैंक द्वारा दिया जाता है, और जिनके लौटाने की जो समय सीमा होती है वो 20 से 25 वर्ष की होती है। ठीक है, तो जब आयातों और निर्यातों के मौद्रिक मूल्यों में समायोजन की समस्या क्रिएट हो जाती है, इसके कारण जब हमें सही इंपोर्ट और सही एक्सपोर्ट का डाटा नहीं मिल पाएगा तो हम कैसे उसमें एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करेंगे, जिससे हमें राष्ट्रीय आय की सही सही गणना नहीं मिल पाएगी। लास्ट है प्रशिक्षित व्यक्तियों का अभाव। प्रशिक्षित व्यक्तियों का अभाव। अब राष्ट्रीय आय की गणना के लिए जो हमें अनेक देशों में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों का अभाव है, जब हमारे पास स्किल्ड पर्सन नहीं होंगे जिन्हें सही तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करना पता है, जब प्रशिक्षित लोग नहीं होंगे तो हमें डेटा सही नहीं मिल पाएगा, जब डाटा हमें सही नहीं मिल पाएगा तो हमें राष्ट्रीय आय की गणना सही सही नहीं पता चल पाएगी। तो राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हमें अपने देश में ये निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इन समस्याओं के कारण हमें
देश की राष्ट्रीय आय को मापने में कठिनाई होती है। अगला पॉइंट आगे, राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां। राष्ट्रीय आय को हम कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको मेजर करने के लिए कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जिनको पढ़ना हमारे लिए आवश्यक है। सबसे पहले आप जानते हैं उत्पादन विधि, प्रोडक्शन लेवल। नंबर दूसरा आय। नंबर तीसरा व्यय। नंबर चौथा सामाजिक। पांचवा व्यवसाय संगठन और छठा उत्पादन और आय। लेकिन मोटी मोटी जो पढ़नी है वो हमको ये चार पढ़नी है, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, कंजप्शन मेथड एंड सोशल इकोनॉमिक मेथड। और अभी अब आज का वर्तमान में एक और बोल रही है जिसे हम लोग कहते हैं हाय ठीक। तो सबसे पहले आती है उत्पादन विधि, इसके साथ एक अर्थशास्त्री का नाम और लिख लो साइमन कुजनेट्स। प्रोडक्शन मेथड या उत्पादन विधि को, इस विधि का जो प्रयोग है वो साइमन कुजनेट्स ने सबसे पहले किया था। और इस विधि का जो दूसरा नाम है वो वस्तुओं और सेवाओं की प्रवाह विधि के नाम से भी है, द फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विसेज मेथड। इस विधि के अंतर्गत एक वर्ष में देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का विशुद्ध मूल्य ज्ञात किया जाता है और फिर उसके बाद उन सबका योग कर दिया जाता है। यह राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए
सबसे सरल विधि है। इसमें दोहरीकरण से बचने के लिए अंतिम उत्पादन के मूल्य को ही लिया जाता है। मतलब इसमें हम लोग प्रोडक्शन मेथड में इसको लेते हैं, फाइनल गुड्स की ही इंट्री करते हैं और इसमें प्राथमिक या प्राइमरी और इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो याद रखिएगा, उत्पादन विधि में हम अंतिम वस्तुओं का ही मूल्य को शामिल किया जाता है, इसमें प्राथमिक और उसमें इसमें प्राथमिक और द्वितीयक या इंटरमीडिएट गुड्स को शामिल नहीं किया जाता। कि क्यों नहीं किया जाता? दोहरी गणना से बचने के लिए इसमें शामिल नहीं किया जाता। इसमें कुल उत्पादन में से डिप्रिसिएशन को घटा दिया जाता है, जिससे कि हमें शुद्ध उत्पादन का पता चल सके। इसमें कुल निर्यातों में से आयातों के अंतर को भी घटा दिया जाता है और फिर उसको राष्ट्रीय आय में जोड़ दिया जाता है। तो मोटा मोटा है, इसे हम उत्पादन विधि कहते हैं। अंतिम वस्तुओं के फाइनल गुड्स को लेते हैं, प्राइमरी इंटरमीडिएट्स को इंक्लूड नहीं करते, साइमल्टेनियस में वस्तुओं और प्रवाह का दूसरा नाम भी कहा गया। इसमें हम उत्पादन के सारी चीजें उसके लेते हैं, जो भी देश में उत्पादन होता है उसके बारे में। दूसरा है इनकम मैनेजमेंट, आय। अब आय विधि में लिख लीजिए, इस विधि की गणना करते समय उत्पादन के साधनों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक के भुगतानों का योगफल किया जाता है, जिसमें भूस्वामी का लगान, श्रमिकों की मजदूरी, पूंजीपति का लाभ, ब्याज का भुगतान, इन सभी को शामिल किया जाता है। तो इनकम मेथड में हम क्या इंक्लूड करते हैं? इनकम मेथड में उत्पादन के साधनों को जो भी हमें पारिश्रमिक मिलता है उन सभी का हम योग कर देते हैं, तो उसके माध्यम से हम राष्ट्रीय आय की गणना कर लेते हैं। उत्पादन विधि में जो भी देश में एक वर्ष में अंतिम वस्तुएं उत्पादित होती है, उन अंतिम वस्तुओं के बाजार मूल्यों का योग कर लेते हैं, डिप्रिसिएशन को घटा देते हैं, जिससे कि हमें शुद्ध पता चल जाता है। अब तीसरा है कंजम्पशन मेथड। कंजम्पशन मेथड में क्या है? जो व्यक्ति जितना भी उपभोग करता है, सारे व्यक्तियों का अगर हमें उपभोग पता चल जाए, ठीक है, जितना भी लोग उपभोग करते हैं, उपभोग के माध्यम से हम राष्ट्रीय आय प्राप्त कर लेते हैं। कीन्स के अर्थशास्त्र के बाद इस विधि का बहुत उपयोग होने लगा। जब किसी व्यक्ति को आय प्राप्त होती है, तो आय का वो एक भाग को उपभोग पर व्यय करता है, दूसरे को बचत पर रखता है। अगर हम उसको जोड़ दें, तीस का अनुपात मिला था बाईस का किसी का, आदमी को जो इनकम मिल रही है, व्यक्ति को जो इनकम मिल रही है, उसे वही काम करेगा, या तो उसको अपने कंजम्पशन पर खर्च करेगा या उसको सेविंग्स पे खर्च करेगा। अगर हमें ये दोनों चीजें पता चल जाए, कंजम्पशन पता चल जाए और सेविंग पता चल जाए, तो हमें इनकम पता चल जाएगी और उन सारी इनकम्स को अगर हम जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? नेशनल इनकम पता चल जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं व्यय या उपभोग बचत। अगला लिखिए सामाजिक लेखांकन विधि। सोशल अकाउंटिंग मेथड इस विधि का सबसे पहले जो
रिचर्ड स्टोन ने किया था और आज के डेट में ये है राष्ट्रीय आय निकालने की आधुनिक नीति की है। जिस प्रकार एक व्यक्ति अपनी समस्त आय का एक लेखा जोखा कर सकता है, उसी प्रकार समस्त राष्ट्रीय आय का भी एक लेखा जोखा होता है, जिसे हम सामाजिक लेखांकन के नाम से जानते हैं। इस लेखे जोखे में राष्ट्र के उत्पादन तथा वितरण का जो विवरण है वो प्रस्तुत होता है। इस दृष्टि से देश के समस्त उत्पादक व्यक्तियों तथा संस्थाओं को वर्गीकृत कर लिया जाता है और प्रत्येक वर्ग की उत्पादन प्रक्रिया में भूमिका को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि जिससे कि अर्थव्यवस्था की गतिविधियां स्पष्ट हो सके। सामाजिक लेखांकन में 5 प्रकार के खाते रखे जाते हैं। यहां पर 5 टाइप्स ऑफ प्रकार के खाते रखे जाते हैं। ठीक, तो सोशल अकाउंट के तहत में कितने अकाउंट होते हैं, तो उसमें 5 होते हैं। नंबर पहला नेशनल इनकम एंड प्रोडक्ट अकाउंट, राष्ट्रीय आय एवं उत्पादक खाते। राष्ट्रीय आय एवं उत्पादक खाते। दूसरा है अदा प्रदाय हम कहते हैं इनपुट आउटपुट टेबल्स या खाते या खाते। तीसरा है फ्लो ऑफ फंड्स टेबल, साधनों का प्रवाह वितरण, साधनों का प्रवाह वितरण। चौथा है भुगतान संबंधी खाते, इसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट टेबल। और चौथा होता है नेशनल बैलेंस। तो याद रखिएगा कि सामाजिक लेखांकन विधि का सबसे पहले प्रयोग अमेरिका के अर्थशास्त्री रिचर्ड स्टोन ने किया था और उन्होंने सामाजिक लेखांकन विधि के अंतर्गत 5 प्रकार के खातों की चर्चा की थी। उन 5 प्रकार के खातों में राष्ट्रीय आय एवं उत्पादक खाते, इनपुट आउटपुट टेबल्स, साधनों का प्रवाह वितरण, भुगतान संबंधी खाते और नेशनल बैलेंस शीट। राष्ट्रीय आय को मापने के लिए जो मुख्यतः 4 प्रकार के विवरण है उसमें सबसे पहले है प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और सोशल अकाउंटिंग मेथड। उत्पादन, अब प्रोडक्शन मेथड में देश में जो भी अंतिम वस्तुएं उत्पादित हुई है उन सभी अंतिम वस्तुओं के उत्पादन का योग कर लिया जाता है। आय विधि में जितने भी उत्पादन के साधन है उनको जो पारिश्रमिक दिया जाता है उन सारे पारिश्रमिक का योग कर लिया जाता है। जैसे लेबर है, लेबर को क्या मिलता है, लेबर को मिलती है मजदूरी। ठीक है, जो उद्यमी होता है उसको क्या मिलता है, उसको मिलता है लाभ। जो पूंजीपति होता है उसे क्या मिलता है, ब्याज का भुगतान। तो ये जितने भी उत्पादन के साधन है उत्पादन के साधनों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक को हम जोड़ लेते हैं तो हमें आय विधि पता चल जाती है। अब आय में से दो ही चीजें होती हैं, आय में से या तो हम क्या करेंगे, कंजम्पशन करेंगे या हम सेविंग्स करेंगे। कीन्स के बाद तो 1936 में इंग्लैंड के प्रमुख अर्थशास्त्री और माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर जॉन रेनॉल्ड कीन्स ने अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट और मनी में जब विश्व की सबसे पहली मंदी आई, जिसे हम लोग कीशा की मंदी कहते हैं, 1929 से लेकर 1933 तक चली,
उस मंदी के दौर में किसी भी अर्थशास्त्री के पास उस मंदी से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं। संपूर्ण अर्थशास्त्री इस विषय पर विचार विमर्श कर रहे थे कि इस मंदी से हम किस तरीके से निकल पाएंगे। तब कीन्स ने 1936 में जो अपनी किताब लिखी द जनरल थ्योरी ऑफ मनी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट और मनी, उसमें उन्होंने उस मंदी से निकलने के लिए जो महत्वपूर्ण उपकरण बताया वो क्या था, वो था प्रभावपूर्ण मांग, एग्रीगेट डिमांड। अगर हमें मंदी से निकलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रभावपूर्ण मांग को हमें बढ़ाना पड़ेगा। जब लोग वस्तुओं की मांग करेंगे, मांग से उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन से देश की राष्ट्रीय आय बढ़ेगी और राष्ट्रीय आय से प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी और देश ऊपर की तरफ बढ़ पड़ेगा। ठीक, चौथा पॉइंट था सोशल अकाउंटिंग मेथड। रिचर्ड स्टोन ने इसका सबसे पहली बार प्रयोग किया और रिचर्ड स्टोन ने ये बताया कि सोशल अकाउंटिंग मेथड में 5 प्रकार के खाते होते हैं। नंबर 1 से लेकर नंबर 5 तक ये आपके सामने दिए। अब देखिए जरा क्या क्या आपका हो गया है। अब अगला पॉइंट जो है वो है आर्थिक या घरेलू सीमा। आर्थिक या डोमेस्टिक सीमा इससे क्या है, आर्थिक या घरेलू सीमा। सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स में घरेलू सीमा को आर्थिक सीमा के रूप में परिभाषित किया गया है। सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स में डोमेस्टिक क्राइटेरिया बाउंड्रीज को इकोनॉमिक बाउंड्रीज, आर्थिक सीमा के रूप में परिभाषित किया गया है। यहां आपको पता चल गया कि आर्थिक सीमा कहां से आई, तो आप बताएंगे सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स में डोमेस्टिक टेरिटरी को हम इकोनॉमिक टेरिटरी के रूप में परिभाषित किया गया है। घरेलू या आर्थिक सीमा देश की भौगोलिक सीमा से संबंधित होती है तथा आर्थिक सीमा में भौगोलिक सीमा को सम्मिलित किया जाता है। आर्थिक सीमा तथा भौगोलिक सीमा बिल्कुल एक नहीं होती। आर्थिक सीमा के अंतर्गत निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है। नंबर 1
एयर स्पेस वायुमंडल के अंतर्गत जल क्षेत्र जिस पर मछली पकड़ने ईंधन या खनिज निकालने का अधिकार राष्ट्र को मिला। तो पहला होगा वायुमंडल मतलब एयर स्पेस के अंतर्गत वायुमंडल के अंतर्गत जो हमारा वायुमंडल है उसके अंतर्गत जल क्षेत्र। जल क्षेत्र का मतलब इसमें हमको मछली या खनिज पदार्थ निकालने का खतरा। वायुमंडल के अंतर्गत क्या है? जल क्षेत्र जिन पर मछली पकड़ने ईंधन या खनिज निकालने का अधिकार। दूसरा, शेष विश्व में सीमांतर्गत विदेशी अंतर क्षेत्र जिसके अंतर्गत दूतावास मिलिट्री बेस प्रोजेक्ट कार्यालय भी सम्मिलित है। तीसरा, फ्री जोन। फ्री जोन मतलब मुक्त व्यापार क्षेत्र, फ्री ट्रेड एरियाज या मुक्त व्यापार क्षेत्र। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जहां तक आर्थिक सीमा का प्रश्न है वो देश की भौगोलिक सीमा का वह भाग उसमें सम्मिलित नहीं होता है जो दूसरे देशों को विदेशी अंतर क्षेत्र के रूप में दूतावास या अन्य कार्यालयों के लिए दिए गए या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को दिए गए। ठीक है, ये तीन क्षेत्र आते हैं इसमें हम पढ़ते हैं आर्थिक सीमा की। भौगोलिक सीमा के अंतर्गत आर्थिक सीमा भी होती है और आर्थिक सीमा में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं ये आपको पता चल गया। अगला पॉइंट, रेजिडेंस निवासी कैसे पहचाने कौन निवासी रेजिडेंस। निवासी की धारणा एक आर्थिक धारणा है, राजनीतिक धारणा नहीं है। यह आवश्यक नहीं निवासी उस देश का नागरिक हो। तो कह सकते हैं जो निवासी है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आर्थिक धारणा है, राजनीतिक धारणा बिल्कुल नहीं। एक निवासी वह व्यक्ति है जिसके आर्थिक हित का केंद्र बिंदु वह आर्थिक या घरेलू क्षेत्र होता है जिसके संबंध में हम बात करते हैं। आर्थिक हित के केंद्र बिंदु का अर्थ यह है कि वह संस्थागत इकाई घरेलू सीमा में स्थापित हो और उसमें उसके रहने का स्थान या उसके उत्पादन का स्थान वहां है जहां से वह अपनी आर्थिक क्रियाएं या व्यवहार करता है। निवासी के अंतर्गत देश के भीतर रहने वाले राष्ट्रीय या गैर राष्ट्रीय सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार निवासी होने के लिए आवश्यक नहीं कि वह राष्ट्रीय या नागरिक भी हो। यूएसए में रहने वाले अनेक भारतीय जो अपनी भारतीय नागरिक हैं भारत के निवासी नहीं होंगे क्योंकि वह यूएसए में रह रहे तब व्यापार कर रहे हैं, वे यूएसए के निवासी हैं यद्यपि वे भारतीय नागरिक हैं। किसी देश की घरेलू सीमा में रहने वाले किसी परिवार के सभी सदस्य जो देश की घरेलू सीमा में रह रहे हैं उस देश के निवासी हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है। ऐसे लोग जो पर्यटन के रूप में भारत में आते हैं चाहे मनोरंजन के लिए आए चाहे शिक्षा के लिए आए चाहे कॉन्फ्रेंस के लिए आए एक वर्ष की कम अवधि में आर्थिक सीमा से बाहर विदेशों में चले जाते हैं उन्हें निवासी के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। यदि वह एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए आर्थिक सीमा के बाहर रहते हैं तो उन्हें निवासी सम्मिलित नहीं किया जाता। ऐसा व्यक्ति जो एक वर्ष से अधिक कहीं विदेश में कार्य कर रहा हो तथा वह भारतीय नागरिक होगा पर निवासी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर दो चीजों का अंतर है। पहला अंतर है नागरिक और दूसरा अंतर है निवासी। ये दोनों अंतर
निवासी में ऐसा व्यक्ति जो एक वर्ष के बाद भारत में रहता है, भारत की वस्तुओं का उपभोग कर रहा हो, अपने पैसे को भारत पर खर्च कर रहा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे एक वर्ष के बाद कि वो भारत का निवासी, जबकि भारत के नागरिक भारत का निवासी एक अलग चीज है। यहां पर हम बात कर रहे थे निवासी, यदि वह भारतीय नागरिक होगा पर निवासी नहीं होगा तो उसका योगदान जीएनपी तथा जीडीपी में सम्मिलित नहीं होगा। ऐसे श्रमिक तथा कर्मचारी जो कुछ वर्ष की अवधि के लिए दूसरे देशों में कार्य करते हैं बाद में अपने घर वापस लौटते हैं, जहाजों के कर्मचारी, वायुयान चलाने वाले लोग आंशिक या पूर्ण रूप से आर्थिक सीमा से बाहर, अंतरराष्ट्रीय संगठनों के कर्मचारी जो इन संगठनों के विदेशी अंतर क्षेत्र में कार्य करते हैं, स्थानीय लोगों से नियुक्त विदेशी दूतावास या मिलिट्री अड्डों में काम करने वाले लोग, तो निवासी और ये दोनों चीजें अपनी अलग अलग चीजें हैं। क्योंकि इस लेक्चर के लिए एक ही पीरियड बचा था, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं सोच रहा हूं कि उसे नोट करा लो, क्योंकि उससे आपके प्रश्न आने ही आने हैं। श्रेणी ए, श्रेणी बी और श्रेणी सी। श्रेणी ए में लिखिए, कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, उत्खनन, खनन, विनिर्माण,
श्रेणी है ये चीजें आता है। श्रेणी में ये बिजली रेलवे वायु यातायात सड़क यातायात जल यातायात सड़क यातायात जल यातायात श्रेणी बी। श्रेणी सी में विनिर्माण गैस तथा जल आपूर्ति विनिर्माण गैस तथा जल आपूर्ति व्यापार होटल सुरक्षा होटल स्टोरेज तथा और तीसरी है अनुमान भूमिका विवरण। तो उपलब्ध आंकड़ों के स्वभाव में पहला लिखिए वस्तुवार उत्पादन तथा मूल्य, तथा विभिन्न आगत से संबंधित वार्षिक आंकड़े। श्रेणी बी में साधनों द्वारा अर्जित आय से संबंधित आंकड़े कंपनियों या उद्यमों के वार्षिक खाते में नियमित रूप से प्रकाशित या उपलब्ध। और श्रेणी सी में जनगणना से कार्यशील श्रम शक्ति का आंकड़ा आवधिक निर्दर्श सर्वेक्षण से श्रम की औसत उत्पादकता का ज्ञान है। साधनों द्वारा अर्जित आय से सभी आंकड़े कंपनियों या उद्यमों के वार्षिक खाते में
कंपनियों कंपनी तथा उद्यमों के वार्षिक खाते भी नियमित रूप से प्रकाशित किया होता है। नियमित रूप से प्रकाशित तीसरा है विनिर्माण गैस जल आपूर्ति व्यापार होटल रेस्टोरेंट आदि जनगणना से कार्यशील श्रम शक्ति संबंधी आंकड़ा तथा आवेग आंकड़ा तथा आवेग निर्दर सर्वेक्षण से श्रम की औसत उत्पादकता का ज्ञान श्रम की औसत उत्पादकता क्या अब इसमें है तीसरा पॉइंट है अनुमान विधि का विवरण उत्पादन द्वारा आय उत्पादन आय अब एक रहेगी श्रेणी में आता है पक्का निर्माण इसमें उत्पाद के मूल्य का अनुमान उत्पाद के मूल्य का अनुमान NSSO द्वारा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अनुमानित है और इसमें वस्तु विधि और व्यय विधि दोनों का तो भारत के राष्ट्रीय आय का अनुमान की जो विधियां है उनकी जो रूपरेखा है उस रूपरेखा में चार कैटेगरी है कृषि और वानिकी ठीक है कैटेगरी बी कैटेगरी सी और कैटेगरी डी ठीक ठीक है तो राष्ट्रीय आय का
जो एक ओवरव्यू था कि राष्ट्रीय आय क्या है, क्या उसका महत्व है और क्या चीजें हैं, तो वो आज हम लोगों ने अपना इसमें देख लिया। और अगली क्लास में, कल वाली क्लास में, भूमि से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक है, ये डिटेल में इतना है कि आपको एक आइडिया लग गया है, और जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम आप ग्रुप पे पूछ सकते हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और उसको आप उनसे वैसे भी पूछ सकते हैं। कल का नया टॉपिक रहेगा, उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही।